वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मेरे पास तुम लोगों के लिए एनिमेटेड बहुत सारी न्यूज़ है। तो तुमको क्या करना है, हमेशा की तरह इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक, और लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। और आज का लाइक टारगेट है 100 लाइक। आई नो कि तुम लोग इस लाइक टारगेट को ज़रूर से पूरा कर दोगे। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि तुम लोगों को फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। करने पे ब्लेड होना शुरू, घुमाकर इन्हें हजार चक्कर देंगे हम। जंग के टक्कर जब तक है हम में दम, नहीं पीछे हटेंगे हम। ब्लेड होना शुरू, ब्लेड होना शुरू, निकालो तुम ब्लेड अब, दिखाओ पुलता जब जीत होगी हासिल। तो हमारी सबसे पहली अपडेट आ रही है बेंटन के न्यू सीजन को लेकर। तो यार, तुम लोग जो केनी को तो जानती होगे, जो कि बेंटन के क्रिएटर में से एक है। तो हाल ही में एक फैन ने उनके कमेंट में, मतलब उनके पोस्ट में एक कमेंट किया कि आई एम योर बिग फैन। तो सिंपली जो केनी इसका क्या आंसर दे सकते थे, थैंक यू वेरी मच। बट यार, जो केनी ने बहुत कुछ बता दिया है। तो उस फैन को रिप्लाई करते हुए जो केनी ने ये कहा कि थैंक यू फॉर बिगिंग बेंटन फैंस, आई अप्रिशिएट एज टू बेंटन न्यू सीजन, बट आई एम सॉरी आई डोंट आंसर फॉर यू बिटवीन पेंडेमिक सिचुएशन। तो जो केनी का एक ही मतलब है कि अभी बेंटन को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा है, और क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है तो आगे भी कुछ कहना मुश्किल है कि आगे कुछ होगा या फिर नहीं। तो सिंपली जो केनी ये कहना चाहते हैं कि अभी बेंटन के न्यू सीजन को लेकर कुछ भी प्लान नहीं है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट फ्यूचर में हमें ज़रूर बेंटन का न्यू सीज़न देखने को मिलेगा। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है और आखिर कब तक हमें बेंटन का न्यू सीज़न देखने को मिलेगा। वेल, इंडिया में भी ऐसे कई सारे फैंस हैं जो कि बेंटन को इंडिया में देखना चाहते हैं हिंदी डब। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है, एंड होप कि फ्यूचर में हमें इंडिया में बेंटन देखने को मिल जाए, मतलब बेंटन का न्यू सीज़न कार्टून नेटवर्क पर हमें देखने को मिल जाए। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है माय हीरो एकेडमी के न्यू मूवी को लेकर। तो माय हीरो एकेडमी का एक न्यू मूवी आने वाला है 12 फरवरी को PVR सिनेमा में। और जहाँ तक बात डब को लेकर है, तो इसका डब तो जहाँ तक डब को लेकर बात है तो इसका जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है वो इंग्लिश डब में है। तो तुम लोग इसे इंग्लिश डब में ही देखने को मिलेगा। और इस मूवी का टाइटल है माय हीरो एकेडमी 2 हीरोज़। तो तुम लोग इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो PVR सिनेमा में, और शायद जल्दी ही हमें माय हीरो एकेडमी का एक और न्यू मूवी देखने को मिल सकता है, जिसका टाइटल है माय हीरो एकेडमी हीरो राइजनिंग। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है, और अगर इसके रिलेटेड कुछ भी अपडेट मिला तो मैं तुम लोगों को ज़रूर से बता दूंगा। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारी अगली अपडेट आ रही है फिर से बेंटन को लेकर। तो तुम लोगों को याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि बेंटन की 3 मूवीज़ के जो टाइटल है वो एक स्पेनिश डब आर्टिस्ट ने रिलीज़ कर दिया है, मतलब बता दिया है। बट उसके बाद कार्टून नेटवर्क बहुत हड़बड़ा गया और बहुत कुछ चेंज कर दिया। तो पहले बेंटन के जो मूवीज़ हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले तो कार्टून नेटवर्क ने ये डिसाइड किया था कि वो जो मूवीज़ है वो वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होगी, बट कार्टून नेटवर्क ने अब उस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है, और अभी जो मूवीज़ आएगी वो सिर्फ वही कंट्रीज़ में आएगी जहाँ पर ये ऑलरेडी डब हो चुकी है। वेल, बेंटन का जो 10,000 वाली मूवी है उसका ऑफिशियली प्रोमो लॉन्च हो चुका है। तुम लोग उस प्रोमो के कुछ फोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, और अगर तुम लोग पूरा प्रोमो देखना चाहते हो तो तुम लोग ओमनिवर्स एक्स के इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है, और क्या ये मूवीज़ इंडिया में भी आएंगे। वेल, अभी तो इसके बारे में कुछ भी बताना मुश्किल है। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हमारी अगली अपडेट आ रही है ड्रैगन बॉल सुपर के रिटर्न के बारे में। तो हाल ही में ट्विटर में ये पोस्ट हुआ कि 14 फरवरी को, यानी कि उस दिन पर, ड्रैगन बॉल सुपर वापस से आने वाला है जापान में फुजियो टीवी पर। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ ड्रैगन बॉल सुपर को दिखाने के लिए वापस नहीं आ रहा है, एंड शायद इसके बाद अदर कंट्रीज़ के जो कार्टून नेटवर्क है वो भी इसको लेकर कुछ कर सकते हैं, मतलब ड्रैगन बॉल सुपर को लेकर कुछ कर सकते हैं। वेल, वो एक अलग टॉपिक है, एंड जैसा कि तुम सबको पता है कि ड्रैगन बॉल का जो फैन बेस है वो बहुत ही बड़ा है, एंड इंडिया में भी इसका फैन बेस बहुत ही अच्छा खासा है। तो शायद आगे जाकर हमें ड्रैगन बॉल इंडिया में भी देखने को मिल सकता है, हालांकि अभी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट शायद इस टेलीकास्ट के बाद अदर कंट्रीज़ के जो कार्टून नेटवर्क है वो भी ड्रैगन बॉल को दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं,
और शायद उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में भी ड्रैगन बॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी बात करते हैं कुछ शॉर्ट अपडेट के बारे में। तो डोरेमोन का क्लासिक सीजन आ रहा है डिज्नी चैनल पर सुबह के 10:30 बजे, शाम के 5:30 बजे, तो तुम लोग इसे इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है शिनचैन को लेकर। तो शिनचैन के कुछ ओल्ड वॉइस एक्टर्स को अब चेंज कर दिया गया है, तो शायद अब तुम लोगों को वॉइस एक्टिंग में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट अपडेट है बेलेट बस टर्बो को लेकर। तो तुम लोगों को पता ही है कि पहले मारुचु वाले क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं टर्बो सीरीज़ को लेकर। मतलब पहले तो सैटरडे टू संडे वो लोग टर्बो सीरीज़ के एपिसोड को रिपीट टेलीकास्ट करते थे, जो कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत इन्जॉय करते थे। बट अभी वो बंद हो चुका है और शायद ही हमें इस संडे और सैटरडे बेलेट बस टर्बो का रिपीट टेलीकास्ट देखने को मिल सकता है। वेल, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और पता नहीं मारुचु वाले क्या सोच कर क्या कर रहे, पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि फ्यूचर में तुम लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलती रहे। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तुम लोगों को ये शॉर्ट अपडेट्स वाली वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।